हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A की FIR की क्वाशिंग के लिए क्या ऐसी चीजें आप अपनी FIR में ढूंढ सकते हैं कि आपका जो केस है जो लगे कि क्वाशिंग के लिए जो है फिट केस बनता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 498A के FIR में सारे फॉल्स एलिगेशन होते हैं। एविडेंस तो होता ही है आपके पास, वो मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा, तभी आप यही कहते हैं कि ये जो है झूठा केस उसने किया है। अगर एविडेंस है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी जो है इस स्टेज पे क्या देखना चाहिए कि जैसे ही FIR होती है तो आपको क्या ऐसा देखना चाहिए कि आपका जो केस है वो फिट केस होगा, जो क्वाशिंग के लिए हम कह सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले ये देखिए कि कितने लोग उसमें जो है इम्प्लीकेट किए हुए हैं FIR के अंदर। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि FIR में जब भी आप देखते हैं कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, 6-7-8 रिलेटिव्स को इम्प्लीकेट किया हुआ है, और जो FIR है उसमें वो FIR का कंटेंट अलग है थोड़ा। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कितने लोग जो है इम्प्लीकेट किए हुए हैं, हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या ब्रदर इन लॉ की जो वाइफ है उनको भी जो है इम्प्लीकेट किया हुआ है। तो अगर इतने सारे लोग इम्प्लीकेट किए हुए हैं और कुछ इनमें से कभी आपके साथ रहे ही नहीं, उनको भी इम्प्लीकेट किया हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए फिट केस बन जाता है, थोड़ा फिट केस की तरफ आ जाता है कि क्वाशिंग के लिए जो है बन जाएगा। अगर 8 या 9 जने नहीं है, 3 जने ही है, तब भी जो है आपको देखना है, पहले ये चीज तो आपको देखनी है कि किन किन के खिलाफ जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप देखते हैं, आप आ जाइए एलिगेशंस पे। अब आपको जो है एक चार्ट बनाना है, चार्ट इन द सेंस कि अगर आप पढ़ के ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर एक चार्ट बना दीजिए कि किस किस मेंबर के खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है, क्या उन एलिगेशंस के साथ डेट है, डेट टाइम स्पेसिफिक है, क्या उन एलिगेशंस पे डेट टाइम नहीं है, या एलिगेशन स्पेसिफिक है, या फिर जो एलिगेशंस क्या है, नेचर क्या है, कि डाउरी डिमांड है उसमें या नहीं है, या फिर डाउरी डिमांड नहीं है, सिर्फ इफेक्ट है, सिर्फ क्रुएल्टी है, ये चीज है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि एक पूरा एक आप चार्ट बना दीजिए कि किन किन मेंबर्स ने क्या क्या एलिगेशंस कब कब लगाए हैं। अब देखिए, आपका जो है डाउरी हैरेसमेंट का जो है फिट केस तब नहीं बनता अगर डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक इंसिडेंसेस साथ में डाउरी डिमांड और क्रुएल्टी, ये अगर चीज आपका सेटिस्फाई कर रही है FIR, तो मेरे ख्याल से वो FIR आपके लिए फिट नहीं है टू क्वैश कराने के लिए, डिस्पाइट आपके पास उसके अगेंस्ट एविडेंस है, तो उसमें आप क्वाशिंग मत ट्राई कीजिए, वो ज्यादा बेटर नहीं है। बट अब आप आ जाते हैं, अगर ये चीज नहीं है आपके साथ, डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक इंसिडेंसेस या वेग इंसिडेंसेस है जिसमें जो है डाउरी डिमांड है, डाउरी डिमांड है पर हैरेसमेंट नहीं है, हैरेसमेंट है तो डाउरी डिमांड नहीं है, डाउरी डिमांड हैरेसमेंट है तो स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, स्पेसिफिक मतलब पूरे एक ही लाइन में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को इम्प्लीकेट कर दिया और पूरे रिलेटिव्स को इम्प्लीकेट कर दिया, उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, तब आप एक स्टेप आगे आ जाइए कि ये जो FIR है वर्थ है, आपको ट्राई करना चाहिए क्वाशिंग जो है इसकी। क्वाशिंग पे पहले मैंने बहुत, पहला वीडियो ही मेरे इस चैनल का क्वाशिंग के ऊपर था, तो वो आप देख सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो मैंने 1-1.5 साल पहले बनाया था आज से, तो वो आप देख सकते हो, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ भेज दिया है लिंक। अब आपको ये देखना है कि ये सब चीजें अगर आपकी FIR सेटिस्फाई कर रही है कि वेग एलिगेशंस तो नहीं है, वेग एलिगेशन है तो फिर आपका वेग, और इसे हम कहते हैं वेग और जनरल, अगर डेट टाइम प्लेस और एलिगेशन जो है स्पेसिफिक नहीं है तो हम इसे वेग और जनरल एलिगेशंस कहते हैं। वेग और जनरल एलिगेशन जो है हाई कोर्ट एंटरटेन करता है और क्वेशिंग कर देता है, एटलीस्ट कुछ मेंबर्स को तो बाहर कर ही देगा अगर आपकी अगर ऐसी FIR है तो आपको जो है FIR को देखना पढ़ना आना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो ठीक है, आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लीजिए, मेरा जो है मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ऐसी FIR, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, मैं आपकी हेल्प इसमें करने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।